हे हाय हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं फिर से आपके लिए एक वीडियो लेके आया हूँ जिसमें हम करके देखने वाले DJI का वायरलेस माइक का अनबॉक्सिंग और उसको मोबाइल से कनेक्ट करके किस तरह से यूज़ करना है इसके बारे में देखेंगे। तो चलिए, हमारे पास आ चुका है DJI का वायरलेस माइक्रोफोन जो आप मोबाइल से भी कनेक्ट कर सकते हो, कैमरे से भी कनेक्ट कर सकते हो। और इसमें आपको क्या क्या मिलने वाला है सारे डिटेल आज हम इसमें देखेंगे। आज इस वीडियो में अनबॉक्सिंग करके देखते हैं और एक्सपीरियंस करते हैं। तो चलिए अनबॉक्सिंग करते हैं। सबसे पहले हम इसकी पैकिंग निकाल लेते हैं। पैकिंग निकालने के बाद जो है इसमें एक सील लगा हुआ होता है, ये सील निकाल लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो एक ग्रीन कलर का, इसको निकालने के बाद जो है इसके अंदर देखते हैं आपको और क्या क्या मिलने वाला है, क्या क्या इसके साथ में रहेगा। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं, इसके अंदर यूज़र एंड गार्ड्स मिल जाएगा आपको। यूज़र एंड गार्ड्स में जो है आपको एक पैकेट मिल जाएगा DJI का कपड़े का सॉफ्ट, साथ ही उसके अंदर जो है आपको टाइप सी USB में केबल मिल जाएगी, साथ ही कैमरे को कनेक्ट करने के लिए ये एक केबल मिल जाएगी आपको 3.5 mm का। साथ ही ये जो है नॉइस कैंसलेशन के लिए ये कुछ ऑप्शन दिया हुआ है, जैसे आप हवा वगैरह में कहीं बाहर शूट कर रहे हो तो ये इसका यूज़ कर सकते हो। ये यूज़र एंड गाइड्स, इसमें आपको कुछ पेपर वगैरह मिल जाएंगे। और फाइनली हमारा जो है ये रहा DJI का वायरलेस माइक ड्यूअल चैनल वाला। तो ये पूरा एकदम मैट में दिया हुआ है, बहुत अच्छा है, मजबूत है पूरा। और फाइनली ये इसका फर्स्ट लुक आप देख सकते हो, ये जो है माइक है इसका फर्स्ट माइक, देख सकते हो इसका डिज़ाइन किस तरह से। ये इसका फर्स्ट माइक और ये जो है इसका सेकंड माइक, यानी कि अगर आप दो लोग कन्वर्सेशन कर रहे हो तो आप ये लगा के कन्वर्सेशन कर सकते हो। और ये इसका ट्रांसमीटर रहेगा। यहाँ पे जो है आपको कैमरे के लिए मोबाइल कनेक्ट करने के लिए कुछ ऑप्शन है। और यहाँ पे जो है आपको एप्पल से आप अगर इस माइक को कनेक्ट करना चाहते हो तो इससे आप यूज़ कर सकते हो, और अगर एंड्रॉयड से कनेक्ट करना चाहते हो तो इसका आप यूज़ कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको इसके साथ में मिल जाएगी। अगर आप कैमरे के साथ में कनेक्ट करना चाहते हो तो कैमरे के ऊपर लगा सकते हो इसको। ये सारी चीज़ें इसमें आपको मिलने वाली है। तो ये रहा हमारा DJI का माइक और ओप्पो का रेनो 8 प्रो। आज जो है इसको हम कनेक्ट करेंगे। सबसे पहले आपको ये ओपन कर लेना है, यहाँ पे जो है ट्रांसमीटर रहेगा, ये आपको बाहर निकाल लेना है। और साथ ही आपको जो है एंड्रॉयड या फिर एप्पल को आप कनेक्ट करते हो तो यहाँ पे आपको जो है दो कनेक्टर यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। अगर आप एप्पल कनेक्ट कर रहे हो तो एप्पल के लिए आपको यहाँ पे ये कनेक्टर मिल जाता है, और अगर आप एंड्रॉयड कनेक्ट कर रहे हो तो आप एंड्रॉयड को जो है टाइप सी से कनेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे जो है हम ट्रांसमीटर ले लेते हैं, और यहाँ पे देख सकते हो आप एरो, और इस पर भी एरो देख सकते हो। आपको इस तरह से जो है यहाँ पे इसको फिट कर लेना है इस तरह से। और ये फिट होने के बाद जो है आपको डायरेक्टली आपके फ़ोन के जो है को यहाँ पे कनेक्ट कर लेना है इस तरह से। और जैसे ही आप कनेक्ट करोगे तो ये कनेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे जो है माइक भी, यहाँ पे जो है अब जैसे मैं बोल रहा हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे ये माइक चालू हो चुके हैं। तो हम अब जो है बाहर का एक सीन कैप्चर करते हैं इसमें और देखते हैं किस तरह से नॉइस वगैरह इसमें आता है। तो ये फाइनली मैंने जो ये DJI का माइक इसमें कनेक्ट कर लिया है, और आप देख सकते हो वॉइस क्वालिटी किस तरह से आ रही है। वैसे जो है पूरा शोरूम जो है खुला स्पेस है, तो यहाँ पे जो है आपको थोड़ा सा इको का प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि खुले स्पेस में इको को हम कुछ नहीं कर सकते। वही अगर आपका स्टूडियो है वगैरह है, अगर आपके घर में कुछ सामान वगैरह रखा है तो ये इको का भी प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। तो इसमें आप देख सकते हो क्वालिटी किस तरह से आ रही है, आपको किस तरह से क्वालिटी मिल रही है। तो आप ये DJI का माइक ले सकते हो, इजीली आप जो है मोबाइल में कनेक्ट कर सकते हो, कैमरे में कनेक्ट कर सकते हो, हर जगह इस पर कनेक्ट कर सकते हो, और बहुत इजी है। कोई भी आपको थर्ड पार्टी ऐप वगैरह डाउनलोड करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं रहेगी।
तो मेरे वीडियो को जो है शुरू से लेकर एंड तक देखने के लिए थैंक यू। और मेरे चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम आप आए हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिए। और अगर कोई आपकी क्वेरी रहेगी तो आप मुझे जो है कमेंट में पूछ सकते हो, मैं आपको इसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। बाय।